अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान वाटर क्राइसिस। पाकिस्तान का जो वाटर क्राइसिस का इशू है, इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या होगा, व्हाट कैन बी द रेमेडियल मेजर्स, रिड्रेसल के लिए, इश्यूज को रिड्रेस करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो फर्स्ट इज, हमें अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके लिए नए डैम्स बनाने पड़ेंगे, चाहे वो कालाबाग डैम हो या चाहे वो द्यामीर बाशा डैम हो। कैनाल्स को लाइन करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर हमें फंड्स चाहिए, और फंड्स का क्रिएट करने का ये तरीका है कि आप जो है वो वाटर प्राइवेस जो प्राइसिंग है उसको रैशनलाइज करें, वाटर रेट्स को बढ़ाएं, पानी को ऊपर टैक्स लगाएं लोगों के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन हो नेशनल वाटर पॉलिसी की, इससे भी चीज़ें बेहतर होंगी, वाटर पोल्यूशन को कम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारा पानी जो वाटर पोल्यूशन की वजह से ज़ाया हो जाता है। यूजिंग टेक्निक्स इरिगेशन में इस्तेमाल की जाएँ, लाइक लेजर लेवलिंग, ड्रिप इरिगेशन ताकि पानी का ज़्याद कम हो, और स्प्रिंकलर्स टू मिनिमाइज वाटर वेस्टेज। एग्रो क्लाइमेटिंग जोन्स बनाने की ज़रूरत है, ताकि प्रोविंसेस के दरमियान जो डिस्प्यूट है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को, इसको ख़त्म किया जा सके। आप सिंध और पंजाब का जो बेल्ट है उसको कलेक्टिवली एक एग्रो क्लाइमेट जोन के तौर पर, या एक से ज़्यादा एग्रो क्लाइमेट जोन्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लें, उसी हिसाब से आप अपनी जो क्रॉप आपने वहाँ पर लगानी है वो डिसाइड करें। आप अपनी फूड सफिशेंसी के हिसाब से, फूड रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करें, और पाकिस्तान को एग्रो क्लाइमेट जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट करके जो वहाँ पे क्रॉप सूटेबल हो वो क्रॉप वहाँ पे लगाएं। फिर इससे जो है जो प्रोविंसेस के दरमियान वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है वो भी ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान को इसके अलावा जो वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड है उसको जो मॉडर्न नीड्स हैं उनके मुताबिक अमेंड करने की ज़रूरत है। हमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो हमारी आबादी में तब्दीली आ रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, इसको कैटर करने की ज़रूरत है। जो हमारे अर्बन सेंटर्स में जो पानी का मसला है, वाटर अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने की ज़रूरत है, और जो वाटर सिक्योरिटी की वजह से, वाटर स्कैसिटी की वजह से इन्वायरमेंटल जो चेंजेस आ रही हैं, जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, हमें इसको मिटिगेट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इसराइल से सीख सकता है, जिसने एक डेजर्ट कंट्री होते हुए तकरीबन 40% वो अपनी लैंड इरिगेट करता है बाय यूजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रिप इरिगेशन। पाकिस्तान इसराइल से सीख सकता है। पाकिस्तान रेन वाटर को टैप कर सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है, जैसे कि मुजफ्फराबाद सिटी में की जा रही है, टू रिचार्ज अंडरग्राउंड एक्विफर्स। इसके तहत आप अपने जो अंडरग्राउंड जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको भी रिचार्ज कर सकते हो। पॉपुलेशन को मैनेज करने की ज़रूरत है, पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसीज लाने की ज़रूरत है, वाटरशेड मैनेजमेंट की ज़रूरत है, वाटरशेड या आपका जो कैचमेंट एरियाज हैं उनको ट्रीट किए जाने की ज़रूरत है, ताकि आपका जो भी वाटरशेड या जो नेचुरल एरिया बनता है जहाँ से वाटर फ्लो होके आपके रिवर्स तक आता है, वो ऐसा हो कि वाटर प्रॉपर क्वांटिटी में अब्जॉर्ब भी करे, ताकि आपका जो अंडरग्राउंड जो एक्विफर हैं वो भी रिचार्ज हों, और साथ साथ जो है वो वाटर आपकी वाटरशेड में से, आपके कैचमेंट एरिया में से पानी ज़ाया ना हो। सेंसिटाइजेशन के लिए हमें पब्लिक को सेंसिटाइज करने के लिए कैंपेन्स लॉन्च करनी पड़ेंगी, ताकि पानी की वेस्टेज को कम करें। कैपेसिटी बिल्डिंग हमें अपने डिपार्टमेंट्स लाइक इरिगेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। एम्प्लॉय करना पड़ेंगे हमें वाटर कंजर्वेशन की एडवांस टेक्निक्स को, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। हमें जो है वो ऐसी क्रॉप्स लगानी पड़ेंगी जो कि लेस वाटर इंटेंसिव हों। वाटर गवर्नेंस इरिगेशन डिपार्टमेंट हो या फिर वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, इस तरह के जो महकमे हैं, या फिर वासा हो, इस तरह के जो महकमे हैं, उनकी जो गवर्नेंस है, उन गवर्नेंस को, इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रक्चर को, उनमें सुपरविजन और कंट्रोल के मैकेनिज्म को, अकाउंटेबिलिटी को हमें दोबारा से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें इन इदारों को रीटूल करना पड़ेगा। वाटर कोर्सेज की लाइनिंग की जाए, कैनाल्स की लाइनिंग की जाए, जो खाले हैं उनकी लाइनिंग की जाए, ताकि वाटर वेस्टेज कम हो। प्रिसीजन लैंड लेवलिंग, प्रिसीजन क्रॉप प्लांटिंग, ये टेक्नोलॉजीज लाई जाएँ, ताकि आप जो है वो लैंड लेवलिंग करेंगे तो पानी का ज़्याद कम होगा। क्रॉप प्लांटिंग, ऐसी क्रॉप्स लगाएं जो कि जिनको कम पानी की ज़रूरत हो। यूज़ ऑफ हाई यील्ड सीड्स, ऐसे सीड्स इस्तेमाल किए जाएं जो कि ज़्यादा पैदावार दें, और लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को इस्तेमाल किया जाए। ट्रीटमेंट किया जाए अंडरग्राउंड जो सेलिन वाटर है, जो पानी जो है वो सीम या थोर की वजह से ज़ाया हो चुका है, उस पानी को ट्रीट किया जाए। इसके अलावा जो है एक कमेटी चीफ मिनिस्टर्स की अंडर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो बनाई जाए, जो कि वाटर इश्यूज स्पेशली
कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वाटर स्टोरेजेस के साथ जो है वो इस इशू को डिस्कस करे, इस इशू को रिजॉल्व किए प्रोविंसेस के दरमियान जो वाटर रिजर्वायर्स को लेकर जो डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। वाटर प्राइसिंग को हमें प्रॉपर शायद हमें इसको दोबारा से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो बहुत कम हैं। सो रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है वाटर प्राइसिंग को। रेगुलेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्सट्रक्शन, जो ज़ेर ज़मीन या ज़मीन के नीचे से जो पानी निकाला जाता है थ्रू बोर्स थ्रू ट्यूबवेल्स, उसको दोबारा से उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। एक्शन प्लान फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एफ्लुएंट जनरेटेड बाय इंडस्ट्री एग्री एंड म्यूनसिपल लॉज, जो गंदा वेस्ट या एफ्लुएंट्स जो हैं जो इंडस्ट्री से निकलते हैं या फिर एग्री और म्यूनसिपल यूज़ से या प्लांट से निकलते हैं उनको जो है देखने की ज़रूरत है कि वो नहरों में ना फेंका जा रहा हो, क्योंकि इससे वाटर पोल्यूट होता है। और इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी को मजबूत किया जाए। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है। इसके लिए इंटेंसिव वाटर डिप्लोमेसी ही वाहिद ऑप्शन हमारे पास रह जाता है। इसके लिए पाकिस्तान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को और यूएन जनरल असेंबली को इन्वॉल्व करना चाहिए। कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, इरिगेशन एफिशिएंसी की परसेंटेज, अगर हम फ्लड्स देखें फ्लड्स से तकरीबन 40-50%, जो फेरो मेथड है इससे तकरीबन 50-60%, बबलर मेथड से तकरीबन 60-70%, स्प्रिंकलर मेथड से एफिशिएंसी होती है 80% तक, और ड्रिप इरिगेशन से जो एफिशिएंसी होती है वो तकरीबन 90% तक होती है। सो पाकिस्तान नीड्स टू अडॉप्ट ड्रिप इरिगेशन टेक्निक। प्रोडक्टिविटी पर यूनिट वाटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, प्रोडक्टिविटी यूनिट वाटर के हिसाब से कौन सा मुल्क कितनी ले रहा है? यूएसए ले रहा है 1.56 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, चाइना 0.8, इंडिया 0.39 और पाकिस्तान सिर्फ 0.13। इंडिया के 1/3 और चाइना के मैं अगर बात करूं तो 1/6, और अगर यूएसए की बात किया जाए तो 1/12 पाकिस्तान जो है वो प्रोडक्टिविटी ले रहा है अपने पानी के एक यूनिट से। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि पाकिस्तान जो पानी इस्तेमाल कर रहा है उससे कितनी कम क्रॉप प्रोडक्टिविटी हो रही है। प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लैंड, टन पर हेक्टर, कितने जो हैं वो पर यूनिट लैंड, कितनी जो पाकिस्तान में पानी से प्रोडक्टिविटी हो रही है कि कितनी टन फसल हासिल हो रही है एक हेक्टर से। फ्रांस में अगर हम जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उससे पर हेक्टर इज़ अ यूनिट ऑफ लैंड तकरीबन 7.6 टन फसल हासिल की जा रही है। इजिप्ट में 5.99, सऊदी अरेबिया में 5.36, इंडिया में 4.8, पाकिस्तान में से 2.24। इंडिया में हमसे डबल है, तकरीबन 2.5, तकरीबन 3 times और तकरीबन जो है वो 3.5 times फ्रांस में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर्स के ऊपर इफ़ेक्ट्स, नंबर ऑफ़ ग्लेशियर्स पाकिस्तान में कितने हैं, 5,000 से ज़्यादा हैं। ग्लेशिएटेड एरिया जो पाकिस्तान का है वो 19,500 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, जिसमें से 13,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान में है। एनुअल ग्लेशियर मेल्ट पाकिस्तान में 40 million acre feet है। और आप देख सकते हैं ये हिमालयाज हैं और ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, इससे आगे ये जो एरियाज हैं ये पाकिस्तान में ग्लेशियल एरिया है। बेयाफो ग्लेशियर है, मिसाल के तौर पर बतूरा ग्लेशियर है, और यहाँ पे हिस्पर ग्लेशियर है 53 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 68 किलोमीटर लंबाई है। सियाचिन ग्लेशियर है 75 किलोमीटर लंबा है। सो ये जो है वो आपको ग्लेशियर्स नज़र आ रहे हैं हिमालयाज के। इस लेक्चर के लिए जिन सोर्सेज से हेल्प ली गई वो है पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स, भाई शमशाद अहमद, वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन, बीबीसी न्यूज वेबसाइट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इशू पे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा।
कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज नहीं है, तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर डाले हुए हैं। और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। AI बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं।